हेलो दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो के अंत तक मैं आपको टाइटैनिक से जुड़ी ऐसी 10 रोमांचक बातों के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में शायद ही आप में से किसी को पता होगा। इसलिए टाइटैनिक से जुड़ी नंबर 1 रोमांचक फैक्ट के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। नंबर 10, लेसन फ्रॉम अ डिकेड एगो। दोस्तों दुनिया भर की लाइब्रेरीज में आपको ऐसी कई किताबें देखने को मिल जाएंगी जिसमें टाइटैनिक के बारे में लिखा है, जहाज की पूरी डिटेल दी गई है और ये भी बताया गया है कि इतनी बड़ी जहाज आखिर डूबी कैसे। मगर दोस्तों ये किताबें टाइटैनिक के डूब जाने के बाद पब्लिश हुई हैं, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि टाइटैनिक के डूबने के सालों पहले ऐसी दो किताबें छपी थीं जिसकी कहानी टाइटैनिक जैसी ही एक जहाज के ऊपर थी, जिसके बारे में सबको ये यकीन था कि वो कभी नहीं डूब सकती, मगर वो डूब गई। पहली किताब स्टीड नामक लेखक ने लिखी थी और जब टाइटैनिक डूबी तब ये उसी जहाज पर मौजूद थे। दोस्तों आज के समय में दुनिया इनकी किताब को एक चेतावनी मानती है जो टाइटैनिक के बारे में थी, क्योंकि जैसे इनकी कहानी का जहाज डूबा ठीक वैसे ही टाइटैनिक भी डूबी थी। इसके अलावा दूसरी किताब का नाम रेक ऑफ टाइटन्स था जो मॉर्गन रॉबर्टसन ने लिखी थी और वो भी टाइटैनिक के डूबने के 14 साल पहले। इनकी कहानी के जहाज का नाम टाइटन था जो कहानी में अपने समय की सबसे बड़ी और कभी न डूबने वाली जहाज थी, मगर आखिरकार जैसे कहानी में टाइटन डूबी वैसे ही असली दुनिया में टाइटैनिक भी डूब गई थी। नंबर 9, फुल मून। दोस्तों कई वैज्ञानिक टाइटैनिक के डूबने का जिम्मेदार 4 जनवरी 1912 के चांद को मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइटैनिक के डूबने में बेचारे हमारे चांद की क्या गलती। दरअसल दोस्तों 4 जनवरी 1912 को कोई साधारण चांद नहीं बल्कि पूर्णिमा की रात थी, यानी पूरा चांद था, जिसे वैज्ञानिकों की भाषा में सुपर मून कहते हैं। ये एक ऐसा चांद होता है जो कई हजारों सालों में एक बार दिखता है। पिछली बार ये चांद 796 AD में दिखा था और ऐसा अनुमान लगाया गया कि अब ये दोबारा 2257 में देखने को मिलेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों सुपर मून में सूरज, पृथ्वी और चांद तीनों एक सिधाई में होते हैं, जिसमें एक ओर सूरज और दूसरी ओर से चांद पृथ्वी पर अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, जिससे पृथ्वी पर काफी ऊंचे और नीचे लहरें उठती हैं। और जब ये ऊंची लहरें काफी लंबे समय तक रह जाते हैं तो समुद्र के नीचे मौजूद बर्फ पिघलने लगती है और यही पिघला हुआ बर्फ का टुकड़ा टाइटैनिक के आते आते ऊपर आ गया था, जिससे टाइटैनिक जा टकरा और डूब गई। यानी अगर गौर से देखें तो टाइटैनिक के डूबने में चांद का भी बहुत बड़ा हाथ था। दोस्तों अगर टाइटैनिक जैसे दूसरी जहाज पर आपको घूमने का मौका मिले तो क्या आप घूमना पसंद करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 8, फुल स्पीड अहेड। दोस्तों शुरू से ही लोगों ने टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ को टाइटैनिक के डूबने का जिम्मेदार माना है। लोगों को लगता है कि कैप्टन के तेज जहाज चलाने की वजह से ही वो बर्फ से जा टकराई, वरना उसे टकराने से बचाया जा सकता था। लेकिन दोस्तों कैप्टन पर इल्जाम लगाने वाले लोग इस बात को नहीं जानते कि असली में पूरी गलती कैप्टन की नहीं बल्कि कम्युनिकेशन सिस्टम की थी। दरअसल जिस रास्ते टाइटैनिक जा रही थी उसी रास्ते दूसरी तरफ से ओलंपिक जहाज आ रही थी। अब कैप्टन का सारा ध्यान इस बात पर था कि दोनों जहाज समय से एक दूसरे को क्रॉस कर जाएं, इसलिए वो टाइटैनिक को थोड़ी तेज स्पीड से चला रहे थे। दोस्तों रास्ते भर में कैप्टन को रेडियो के जरिए 5 बर्फ के टुकड़ों की चेतावनी मिल गई थी, सो उन्होंने बड़े आराम से वहां से टाइटैनिक को निकाल लिया। मगर 6वें और आखिरी बर्फ के पहाड़ की चेतावनी टाइटैनिक के सीनियर रेडियो ऑपरेटर और कैप्टन को मिली ही नहीं, और इस तरह कम्युनिकेशन सिस्टम के फेल होने की वजह से टाइटैनिक टकरा गई। नंबर 7, बाइनोक्यूलर्स। दोस्तों बाइनोक्यूलर्स काफी एडवांस्ड दूरबीन होते हैं, जिससे काफी दूर की चीजें भी बहुत क्लियर दिखाई देती हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर टाइटैनिक क्रू के पास बाइनोक्यूलर्स रहा होता तो उन्होंने समय से बर्फ के पहाड़ को देख लिया होता और उससे टकराने से पहले ही अपना रास्ता बदल लिया होता। मगर दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े और शानदार जहाज में बाइनोक्यूलर्स नहीं थे। दरअसल इससे भी एक कहानी जुड़ी हुई है जो काफी दिलचस्प है। असल में हुआ कुछ यूं था कि डेविड ब्लेयर नामक एक शख्स जो टाइटैनिक के ही क्रू का एक हिस्सा था, उसकी ड्यूटी टाइटैनिक से हटाकर दूसरे जहाज पर लगा दी गई थी। और डेविड से गलती ये हुई कि वो टाइटैनिक छोड़ने से पहले उसकी एक स्टोरेज की चाबी वापस करना भूल गया और बदकिस्मती से उसी स्टोरेज में सारे बाइनोक्यूलर्स रखे थे। इस तरह डेविड की ये एक लापरवाही भी टाइटैनिक के डूबने का जिम्मेदार मानी जाती है। नंबर 6,
वेदर। दोस्तों किसी ने कैप्टन को तो किसी ने बाइनोक्यूलर्स को टाइटेनिक के डूबने का जिम्मेदार माना है, मगर मौसम के वैज्ञानिकों की माने तो चाहे कैप्टन ने जहाज धीरे ही क्यों न चलाई होती या डेविड से बाइनोक्यूलर्स स्टोरेज की चाबी वापस करने की भूल न हुई होती, तो भी टाइटेनिक का टकराना तय ही था। दरअसल दोस्तों समुद्र का वो हिस्सा जहां टाइटेनिक टकराया था वहां का मौसम बहुत ही खराब रहता है। उस जगह पर गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलन होता है जिससे वहां का पूरा आसमान और जगह धुएं और ओस से भरा रहता है, और वो बर्फ का टुकड़ा जिससे टाइटेनिक टकराया था वो इसी धुएं के पीछे छिप गया था। और टाइटेनिक के टकराने के मात्र 37 सेकंड पहले वो बर्फ का टुकड़ा कैप्टन और क्रू को दिखाई पड़ा था, और इतने कम समय में इतनी बड़ी जहाज को मोड़कर निकाल पाना नामुमकिन था। नंबर 5, लाइफ बोट्स। दोस्तों लगभग 3 घंटे लगे थे टाइटेनिक को पूरी तरह से डूबने में, लेकिन उसके बावजूद लगभग 2200 लोगों में से महज 700 से 800 लोग ही बच पाए थे। इसका एक सबसे बड़ा कारण टाइटेनिक पर लाइफ बोट्स की कमी और लोगों के बीच हड़कंप था। दोस्तों वैसे तो टाइटेनिक पर इतने लाइफ बोट्स थे ही नहीं कि सभी लोग बच पाते, मगर उस पर भी जहां एक लाइफ बोट में लगभग 65 लोग बैठ सकते थे, वहां हड़बड़ी के चक्कर में कई बोट्स महज 28 लोगों के साथ रवाना हो गई, जिसकी वजह से बचने वालों की संख्या और भी ज्यादा कम हो गई। इसके अलावा दोस्तों टाइटेनिक के लिए जो भारी मात्रा में लाइफ बोट्स का ऑर्डर दिया गया था वो टाइटेनिक के रवाना होने के एक दिन पहले ही कैंसिल कर दिया गया, और ऐसा माना जाता है कि अगर वो ऑर्डर कैंसिल न हुआ होता तो और भी लोग बचाए जा सकते थे। नंबर 4, यो हो हो। दोस्तों यो हो हो उन लोगों में से एक व्यक्ति था जो टाइटेनिक हादसे से बच निकला था, और ये टाइटेनिक का ही एक बेकर था, इसलिए उसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी कि उसे लाइफ बोट में जगह मिल पाती, मगर फिर भी वो बच निकला। दरअसल दोस्तों पानी में गिरने के बाद यो हो हो एक रम की बोतल को पकड़े एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े के सहारे पानी में पड़े थे, और उन्होंने अपने सामने पूरी टाइटेनिक को समंदर के नीचे जाते हुए देखा। यो हो हो ने चालाकी ये की थी कि वो हर थोड़ी थोड़ी देर में रम का एक एक घूट पी रहे थे, जिससे वो पानी में जमकर मरे नहीं, और 2 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने आकर उन्हें बचा लिया। नंबर 3, एनिमल विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स। दोस्तों जब भी टाइटेनिक के बारे में बात होती है तो यही सारी बातें होती हैं कि वो कितनी ज्यादा बड़ी थी, उस पर कितनी सारी सुविधाएं थी, और किस तरह उसके डूबने के लिए शिप के इंजीनियर्स और कैप्टन जिम्मेदार थे, पर दोस्तों कोई भी उन जानवरों की बात नहीं करता जो इस हादसे में मारे गए या बच गए थे। वैसे तो टाइटेनिक पर हजारों की संख्या में कुत्ते, बिल्ली, बकरी, चिकन्स और चूहे मौजूद थे, मगर उनमें से 3 कुत्ते बड़े खुशकिस्मत थे जो जिंदा बच गए थे, और वो भी इसलिए क्योंकि वो साइज में छोटे थे, इसलिए उन्हें छुपाकर लाइफ बोट में बैठा दिया गया था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि उनकी जगह एक और आदमी को बचाया जा सकता था। नंबर 2, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। दोस्तों साल 1852 से ही ये एक नैतिक नियम बन गया था कि जब भी कोई जानलेवा आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होगी तो सबसे पहले औरतों और बच्चों की सुरक्षा की जाएगी, और जब टाइटेनिक डूबनी शुरू हुई तो उस पर मौजूद अधिकतर लोगों ने बहादुरी के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए सबसे पहले जहाज पर मौजूद औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स पर पहुंचाना शुरू कर दिया था। दोस्तों टाइटेनिक पर महज 16 के आसपास लाइफ बोट्स मौजूद थे, जिसमें लगभग 1200 लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी महज 706 लोग ही बच पाए थे, जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल थे। यानी 4 अप्रैल 1912 को टाइटेनिक के साथ ज्यादातर आदमी ही डूबे थे। नंबर 1, नॉट लिविंग मेल बिहाइंड। दोस्तों आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि टाइटेनिक में एक मेल पोस्ट ऑफिस भी था जो टाइटेनिक के निचले हिस्से में था, और जब टाइटेनिक टकराई तो सबसे पहले वहीं पानी भरना शुरू हुआ, पर दोस्तों वहां काम करने वाले लोग अपनी जान बचाकर भागने की बजाय मेल्स बचाने में लगे थे, जिससे बहुत सारा समय तो बर्बाद हुआ ही, साथ ही दूसरे लोगों को बचाने में देरी हो गई। वरना अगर मेल्स छोड़कर बाकी लोगों को बचाने पर ध्यान दिया गया होता तो शायद और भी जानें बचाई जा सकती थीं। तो दोस्तों इन सभी टाइटेनिक के फैक्ट्स में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।